हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जी अरब। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है काफ़ी दिन से कि सर जून वाले एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। छोटा सा सेशन है और मैं आपको एग्ज़ाम डेट तो देखो आप सबको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा कि कब कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनटीए ने नोटिफाई कर रखा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म की। तो देखो, आपके जैसे सीएसआईआर नेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म आपके क्लोज हो चुके हैं और उसका एग्ज़ाम भी आपका जून में होने वाला है। तो अब देखो अपनी बारी है, यानी आपके नेट के एग्ज़ाम की बारी है। और अभी हमारे पास में देखो आज 25th आपका अप्रैल हो चुका है, और 25th अप्रैल हो चुका है तो अपने पास में अभी आप देखोगे तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। आप मान के चलोगे कि तो या तो आपके पास में 40 days ही हैं। अब उसके बीच में भी आप देखोगे तो कम से कम आपको 5 से 6 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जाते हैं। उसके जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो करेक्शन विंडो है वो भी जारी करेंगे। तो आप देखो इस चीज़ में बहुत सारे टाइम लगते हैं। तो जो अनुमान यही है गाइस कि आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अब कभी भी जारी हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपके आज, कल, परसों कभी भी आपको नोटिस है वो देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो ऑलरेडी आपकी जारी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो इसको देख लीजिए, जिस भी स्टूडेंट को, कि ये एनटीए ने जनवरी में ही ये नोटिफाई कर दिया था कि आपका जो जून वाला जो एग्जाम है दोस्तों वो कब से कब होना है। वो आपका 13 से लेके और 22 जून के बीच में ये एग्जाम है वो आपका होना है, ये ऑलरेडी शेड्यूल है। तो इसके लिए आपके पास में बहुत ही गिने चुने दिन है वो बचे हुए हैं, है ना। और इसके फॉर्म है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जो फॉर्म है वो आप कभी भी निकल सकता है, आज, कल, परसों में कभी भी आपका नोटिस है वो जारी हो सकता है, रास्ते में ही मानिए आप। लेकिन एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इसका वेट करना चाहिए, है ना? क्या ये टाइम है कि आप एग्जाम डेट का वेट करो, जब आपके सामने फॉर्म का वेट करो, जब आपके सामने एग्जाम डेट है 13 से 22 जून ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसी पे फोकस करें। क्योंकि फॉर्म तो आएगा और उसको भरने में आपको 1 घंटा लगेगा, फटाफट से भर देना, ठीक है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, कुछ लगा देते 1 घंटा, 10 मिनट का काम है, फटाफट से भर देना। अब उस चीज़ के लिए आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपको यहाँ पे कॉस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों से यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है। वो अपने टाइम पे आएंगे, एडमिट कार्ड भी अपने टाइम पे आएंगे, एग्ज़ाम भी अपने टाइम पे होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा। तो सब लोग जल्दी से तैयारी में जुड़ जाओ सब लोग। देखो एक सर एक बात बोली जाती है कि जो लोग इंतज़ार करते हैं उनको वही मिलता है जो लोग शुरू करने वाले हैं जो छोड़ जाते हैं। तो जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया ना, जो वो छोड़ेंगे ना वही मिलेगा आपको। तो अभी से आप अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट आपके सामने ऑलरेडी दी गई है और इसके लिए हमारी क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपकी चली रही हैं, है ना। तो हमारी प्लस की क्लासेस भी आप ले सकते हो, पेड क्लासेस भी ले सकते हो आपकी, और यूट्यूब क्लासेस भी हैं, दोनों आपकी चल रही हैं, ठीक है, वाईटी क्लासेस भी चल रही है। तो जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमारी पेड क्लासेस ले सकता है। हिस्ट्री की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपका हिस्ट्री का जो कोर्स है वो आपको करवा रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट कोर्स प्लस नोट्स के साथ में आपको सारी की सारी प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। और जो स्टूडेंट YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो जिस भी मोड से आप रिविजन करना चाहते हो रिविजन में जुट जाओ, अच्छे से आपकी क्लासेस लीजिए, और एग्जाम डेट तो आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।